लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ कि अगर आप डीएम हो जिले के, आपको क्या लगता है आप 3 घंटे 4 घंटे समझाएंगे तो आप उस कम्युनिटी को समझा देंगे? आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि बस मुझे 3 घंटे मिल जाए, मैं एकदम बदल दूंगा, एटीट्यूड चेंज कर दूंगा उनके? अच्छा बता दो यार क्या तरीका है, मैं बहुत दिन से तरस रहा हूँ तरीका जानने के लिए। हिंदुओं को इससे बहुत मतलब नहीं है कि यूसीसी से समाज का क्या फायदा होगा, उनको क्या सिखा दिया है, इनको ठीक करना है। आप लोगों की परसुएसिव पावर अच्छी होगी मेरे ख्याल से, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ कि अगर आप डीएम हो जिले के, उस जिले में लेट अस अज्यूम 20% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स, 70% हिंदूज एंड 10% ऑल अदर रिलीजियंस, एंड द सीएम यू आर लेट अस अज्यूम यू आर इन उत्तराखंड, एंड सीएम सेज वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड ही सेज आई वॉन्ट ए पीसफुल सोल्यूशन ऑफ दिस इश्यू, सो ऑल द डीएम्स आर गिवन ए स्पेशल टास्क, यू हैव टू टॉक टू डिफरेंट कम्युनिटीज इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड कन्विंस देम अबाउट द नीड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल। आपने कहा जी 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 मैंने परसुएशन पढ़ा हुआ सर, मुझे सारे फार्मूले पता है, चिंता मत कीजिए, मैं बस गया और आया बस देखिए। फिर आपने अपने जिले के जो सारी कम्युनिटीज के लोग हैं, मेजर मेजर करीब 100 लोगों को बुलाया, ये अलग अलग मीटिंग्स की, मुस्लिम से, सिखों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, अलग अलग मीटिंग्स की। आपको क्या लगता है आप 3 घंटे 4 घंटे समझाएंगे तो आप उस कम्युनिटी को समझा देंगे? क्या लगता है आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि बस मुझे 3 घंटे मिल जाए, मैं एकदम बदल दूंगा, एटीट्यूड चेंज कर दूंगा उनके? अच्छा ग्रेट, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज ए गुड थिंग, एंड देयर इज ए थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इतना आसान होता ना भाई तो कितने लोग समझा चुके होते आज तक, कबीर दास 600 साल पहले मर गए समझा समझा के, गांधी जी समझा के मर गए, गोली खा के मर गए, अंबेडकर जी मर गए, कितने लोग मर गए, कोई नहीं समझा पाया आज तक। और आपका भाव ये है यदा यदा ही धर्मस्य, कि तब तब मैं आता हूं। अच्छा बता दो यार क्या तरीका है, मैं बहुत दिन से तरस रहा हूं तरीका जानने के लिए। आपके मामा मुस्लिम है, आप ये बोलेंगे? अच्छा मतलब कलेक्टर बोलेगा कि मैं भी मुस्लिम हूं और मान लेंगे, उसे घर के बाहर नाम लगा हुआ उसका, बहुत क्यूट बात करते हैं यार तुम, सो क्यूट, मुझे मजा आ रहा है बात सुन के। अभी क्लास के बाद तुम और मैं आइस पाइस खेलेंगे, बैठो 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 बैठो, कितनी प्यारी बात कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा मैं भी इसी कम्युनिटी से, और वो कहेंगे अच्छा अच्छा क्या बात है, वेरी गुड। चलो आज हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड चेंज कैसे करते हैं, परसुवेशन कैसे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर ही लेंगे सबका, लेकिन हाँ तरीका समझेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये, आप सोचिए कि हिंदू सोसाइटी में इस समय जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर रोज क्या आता है, अगर यूसीसी नहीं आया तो देश खतरे में है। उनके ग्रुप में क्या आता होगा, बस बर्बादी होने वाली है, अगर इस बार नहीं बच पाए तो इतिहास से नामो निशान मिट जाएगा, साथियों जागो, यूसीसी का विरोध करो, वहां ये चल रहा होगा। मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं जो पढ़ी लिखी होंगी डाउट में रहती होंगी कि प्रोविजन तो हमारे फेवर में लग रहे हैं पर सब कहने खराब है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि इलेक्शन में एक दो जगह क्या हुआ, मुस्लिम महिला को बीजेपी जीत गई, लोग परेशान किए कैसे हुआ, तो अंदर से लोग कह रहे हैं कि औरतों ने जम के वोट दिया, भैया ले आओ ले आओ, तुम ही लाओगे, ये सब तो भरोसा नहीं इन सब पे तो हमें, क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस से फ्रीडम मिलती है तो अंदर हिंदू तो लोग चाहेंगे ही, कह नहीं सकते। पर मुस्लिम मेन को अगर आप समझाना चाहें
कि भाई यूसीसी बहुत जरूरी है, अब 10 के साथ कोशिश करेंगे, एक आध को हो सकता कन्विंस कर ले 3 घंटे में, पर उनके ऊपर अपना कल्चर का ग्रुप का इतना प्रेशर है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉग्निटिवली चेंज समवन थॉट्स। रोज बम्बार्डमेंट हो रही है दोनों कम्युनिटीज में, इमोटिव लेवल पे हो रही है, एंड इफ यू आर विलिंग टू चेंज द थॉट्स ऑफ ए पर्सन, एटीट्यूड्स ऑफ ए पर्सन जस्ट बाय गिविंग सम फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स, एंड दिस पर्सन हैज बीन टेकिंग ए लॉट ऑफ इमोटिव मैसेजेस एवरी डे, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। And that is why when we have strong attitudes about social things, it becomes very difficult to change. And in the same way, dysfunction ye hai, it makes social changes almost impossible. Hinduon ko isse bahut matlab nahi hai ki UCC se samaj ka kya fayda hoga. Unko kya sikha diya? Inko theek karna hai. Unko usse bahut matlab nahi hai ki isse kya hoga. Unko kya lag raha hai? Ki ye hisab barabar ho raha hai, hum bhi hisab barabar kar denge. कोई सोचने को तैयार नहीं कि है क्या चीज। इन सच डिवाइडेड सोशल स्ट्रक्चर्स, इन द सिचुएशंस व्हेन पीपल आर ओवरलोडेड विद देयर एटीट्यूड्स, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग ए पीसफुल चेंज इन द सोसाइटी। दिस इज द डिसफंक्शन ऑफ द एटीट्यूड्स। और यही एग्जांपल देना यूसीसी जैसे जो करंट एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में उनको लिखना अच्छा रहता है। अंडरस्टूड? So can you write almost 200 words on the functions and dysfunctions of attitudes?